दोस्तों 80 के दशक में बॉलीवुड में ऐसी बहुत सी अभिनेत्रियां रही जिन्होंने अपने अभिनय के दम पर बॉलीवुड पर राज किया। ऐसी ही एक अभिनेत्री जयप्रदा है। जयप्रदा भारतीय अभिनेत्री और राजनीतिज्ञ है जो 80 के दशक की सबसे सफल अभिनेत्री मानी जाती हैं। इन्होंने तेलुगु, हिंदी, तमिल, कन्नड़, मलयालम, बंगाली और मराठी फिल्मों में काम किया, लेकिन बहुत से अभिनेत्रियों की तरह जयप्रदा ने अपना करियर बीच में छोड़ दिया था। लेकिन उनके करियर छोड़ने की वजह शादी नहीं बल्कि कुछ और ही था। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको जयप्रदा की उस वजह से रूबरू करवाएंगे जिस वजह से उन्होंने अपना सफल करियर बीच में ही छोड़ दिया। साथ ही आज हम आपको जयप्रदा की कुछ तस्वीरों से भी रू करवाएंगे जिन्हें देखकर आप पहचान ही नहीं पाओगे। लेकिन उससे पहले इनके शानदार अभिनय के लिए लाइक तो बनता है। जयप्रदा का जन्म 3 अप्रैल 1962 को आंध्र प्रदेश में हुआ। तब इनका नाम ललिता राजा मुंदरी था जो बाद में बदलकर जयप्रदा रख दिया गया। उनके पिता कृष्ण राव तेलुगु फिल्मों के वित्तीय दाता थे, इसलिए जयप्रदा ने अपनी पढ़ाई तेलुगु माध्यमिक स्कूल से ही की और साथ ही बहुत कम उम्र में उन्होंने नृत्य और संगीत की शिक्षा भी हासिल कर ली। जब जयप्रदा 14 साल की थी तो उन्होंने अपने स्कूल में नृत्य प्रदर्शन किया। वहीं पर दर्शकों के बीच एक फिल्म निर्देशक और फिल्म निर्माता के बी तिलक मौजूद थे। उन्होंने जया को 1976 की तेलुगु फिल्म भूमनी गोसम में छोटा सा रोल ऑफर कर दिया और अपने परिवार के प्रोत्साहन की वजह से जया ने इस रोल को स्वीकार भी कर लिया। लेकिन बॉलीवुड इंडस्ट्री में जयप्रदा ने साल 1989 की फिल्म सरगम से डेब्यू किया। ये फिल्म बहुत बड़ी हिट साबित हुई, लेकिन उस वक्त उन्हें हिंदी नहीं आती थी, इसलिए पहले उन्होंने हिंदी सीखी और सन 1982 में रिलीज हुई फिल्म कामचोर में उन्होंने पहली बार हिंदी पूरी तरह से बोली। उसके बाद वो लगातार हिंदी फिल्मों में काम करने लगी। 1984 में रिलीज हुई शराबी फिल्म ने इनको अमिताभ बच्चन के साथ पर्दे पर उतारा, जिसे काफी पसंद किया गया। ये ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। इसके बाद इनका नाम भी बड़ी हीरोइनों में शामिल हो गया। इस तरह अब तक इन्होंने 7 भाषाओं में अभिनय किया। 30 साल के फिल्मी करियर में इन्होंने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। लेकिन अगर बात करें जयप्रदा की निजी लाइफ की तो 1986 में इन्होंने पहले से ही शादीशुदा निर्माता श्रीकांत नाहटा से शादी की। शादी के बाद भी जयप्रदा बॉलीवुड से जुड़ी रही, लेकिन 1994 में जयप्रदा तेलुगु देशम पार्टी की TDP में शामिल हुई और राजनीति में प्रवेश के बाद इन्होंने अपने करियर के शीर्ष पर आकर फिल्म उद्योग को बीच में छोड़ दिया। एक जमाने में खूबसूरत दिखने वाली जया आज वक्त के साथ बदल चुकी है। आज इनकी उम्र का असर इनके चेहरे पर दिखने लगा है। इनके फैंस इनकी तस्वीरों को देखकर पहली नजर में पहचान नहीं पाते। तो दोस्तों, आपको जयप्रदा की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा बेहतरीन लगती है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। बॉलीवुड की सभी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दीजिए।